आइए हम सभी हरि राया सदगुरु के पावन श्री चरणों में हरे माधव वाणी अरदास करें जी। मेरे सतगुरा हम शरण तेरी हम शरण तेरी आ।
पूज्य गुरु माता जी की अनमोल समझाइश जीवन में प्रेम शुद्ध भावना शुक्र व भाणे के बिना कुछ भी प्राप्त नहीं होता। व्यर्थ की इच्छाओं को त्यागना सीखो। पूज्य गुरु माता जी के जीवन काल में उन्होंने अपनी कथनी एवं करनी में समानता का उदाहरण हमें दिया, जो कि अविस्मरणीय है। ममतामयी गुरु माता जी की आप जी के वचनों पर हम चल सके, आपका आशीर्वाद बना रहे। हम सभी के भावपूर्ण श्रद्धा सुमन आपको समर्पित है। शत शत नमन माँ, शत शत नमन माँ। अरे माधव दयाल की दया। पूज्य गुरु माता हेमा देवी जी के पावन श्री चरणों में शत शत नमन, शत शत नमन। हे गुरु माँ, आप स्वयं ईश्वर की परछाई हैं। हरे माधव सतगुरु को रूप देकर आप धरा पर लाई हैं। श्रद्धा सुमन की थाली आपके श्री चरणों में सजाए हैं। हे गुरु माँ, आप स्वयं ही ईश्वर की परछाई हैं। जिनकी रहमतों से दुनिया चलती है और मुस्कराने से ऋतुएं खिलती हैं, ऐसे भुवन सतगुरु की जननी आप जी कहलाई हैं। हे गुरु माँ, आप स्वयं ईश्वर की परछाई हैं। प्रेम का महासागर आप सदा जो निश्चल रहता है। अनंत अटल विश्वास हो माँ, आप ममता दाई हो। हे गुरु माँ, आप स्वयं ईश्वर की परछाई हैं। सारी संगत का रोम रोम एहसानमंद है आपका। युगो युगो तक याद रहेगा यह उपकार आपका। सतगुरु ईश्वर शाह साहिब की जननी आप कहलाई हैं। हे गुरु माँ, आप स्वयं ईश्वर की परछाई हैं। साध संगत जी, आइए हम सभी एकचित्त हो, शांत हो, एक साथ सत्संग अमृत वचनों का रसपान प्रेम भाव से करें जी। भजन सिमरन के भंडारी दाता हाजरा हुजूर सदगुरु साहिबान जी के पावन श्री चरणों में बैठी परम सौभाग्यशाली सात संगत जियों, दोनों हाथ जोड़कर प्रेम से बोलिए हरे माधव, हरे माधव, हरे माधव। वाणी संत सदगुरु बाबा नारायण शाह साहेब जी। तेरा भाणा सद सद भाए मीठा, हुक्म साहिब का सद सद मीठा। सदगुरु साहिबान जी के पावन श्री चरणों में बैठी साध संगत जियो, हरे माधव, हरे माधव, हरे माधव। यह संत सतगुरु बाबा नारायण शाह साहेब जी की धुर की वाणी है, जिन्हें शौक है परमार्थ का या जो परमार्थ में लगे हैं उन्हें साहिबान जी अनमोल नसीहत दे रहे हैं कि हरे माधव प्रभु ने
तुझे इंसानी जामा बख्शा, सुंदर शरीर धन माल वैभव बख्शा, जन्मों जन्मों से वह तुझे दिए ही जा रहे हैं और बंदे तू उनसे लिए ही जा रहा है। सतगुरु बाबा जी फरमाते हैं, मालिक की रजा में राजी रहना यही प्रभु प्यारों के उत्तम अति उत्तम आत्मिक गुण है। उसके प्रेम में मस्त रहें, सेवा सिमरन ध्यान में रमे रहें, कभी दुखी कभी सुखी, कभी यश कभी अपयश, सब उसी का जानकर उसके प्रेम में मस्ताना मस्त होकर रमे रहें। ऐ संतो याद रखना, उस साहिब की रजा में सदा टिकने का भाव यह है कि दुख सुख में हमारा मन कभी न डोले, सदैव स्थिर रहे, उसी प्रभु परमात्मा के सिमरन में सदैव रमा रहे। इसलिए हे बंधुओं, इस मन को मोड़ने का पुरजोर यत्न करें, हमेशा याद रखें, ना तो हमें धर्म छोड़ना है, ना ही पुरुषार्थ से हटके रहना है। सारे सांसारिक पुरुषार्थ धर्म निर्वाह कर उस करीम की कला में राजी रहना है, तथा जी हुजूर प्रेम भाव सदैव अंतर में धारण करना है। सब कुछ मालिक प्रभु हरे माधव के हुक्म से हो रहा है, चिंता ना करें। आप हाजरा हुजूर साईं जी ने रूहों को अचिंत रहने का बड़ा ही सुंदर उपदेश दिया है। मत कर चिंता मत कर चिंत, सदा कर तू चिंतन अचिंत का भाई, चिंता ते कुछ कार्य न संवरे, चिंता कारण सब जगत हुआ दुखदाई, मेरे माधव सबको दिया रसक रजाई, मेरे माधव सबको दिया रसक रजाई, दास ईश्वर अचिंत भंवरा, सतगुरु चरण किया प्रेम औरा औरा, तिन चरणन की शाओ बैठ, मैं रहूं सदा अचिंत अविचल मुकामा, तिन चरणन की शाओ बैठ, मैं रहूं सदा अचिंत अविचल मुकामा। ऐ संतो, जो खुद कुले मालिक हैं, वे सदैव उस प्रभु परमात्मा जो ताकतवर रहमत का साहिब है, अनेक रंगों में दिव्य ढंगों में यत्र तत्र सर्वत्र विराजमान है, उसी की रजाए हक में रहते हैं। वे प्रेमी रूहों को उस प्रभु की दिव्य विस्माद कला भाणी तथा शुक्र में चलने की नसीहत देते हैं। जरा सोचें, क्या हम सभी उसी की रजा में राजी हैं? हमने रूहानी रजा को अभी समझा ही नहीं। पूर्ण संतों ने सच्चे मार्ग की तालीम दी, क्योंकि वे उसी में रमे रहते हैं, परंतु हमारे अंदर उस साहिब का प्रेम साध संगत के साथ सच्चा इश्क प्रेम नहीं है। जब हम इश्क प्रेम में भीगेंगे, तभी हमें सारी रचना व वात्सल्य प्रेम का अनुभव होगा। फिर आत्मा सदैव उसी के अमृत भाणे में भीनी भीनी सी रमी रहती है, क्योंकि इस भाणे के अंदर ही उस करतार सृजनहार का लाबयान नूर महक रहा है। संत कबीर जी ने सत्य फरमाया, रवि को तेज घटे नहीं, जोघन जुड़े घमंड, साध वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मंड। संत जी ने समृत साध संतों की रजा का बड़ा अनूठा जिक्र किया कि जिनके वचन से पलट जाए ब्रह्मंड, यानी वचनों में पूर्ण सामर्थ्यता। हरिराया सतगुरु अपने वचनों द्वारा रूहों को सिमरन का हुनर बख्शते हैं। इंसान के कहे से कुछ नहीं होता। आज सभी दुखी इसलिए हैं
कि हमें उसकी रजा में राजी रहना आता ही नहीं। बेशुक्रे हो, कभी इस दर तो कभी उस दर भटकते हैं, पर प्यारे सदैव याद रखें, उसी के भाणे रजा में सच्ची खुशी व स्थाई आनंद है। जो सदा उसी के हुक्मे रजा में राजी हैं, वही सच्चे इंसान प्रभु भगत हैं। वे कभी भी अपने स्तर मन बुद्धि की दुनियादारी के वशीभूत हो उसकी रहमत की शिकायत नहीं करते। दुख भी तेरा, सुख भी तेरा का भाव रख प्रभु सतगुरु का भाणा स्वीकार करते हैं। बाबा जी सत्संग शब्द वाणी में फरमाते हैं, जी हाँ, जैसी चलावे कार तैसी मैं करूं कार, तैसी मैं करूं कार। मन डोले न भाणा तेरा, न भाणा तेरा, निज घर बोले जैसी वैसी पाऊं मैं गत, वैसी पाऊं मैं गत। परमात्मा आप तो जाननहार हैं, भूत भविष्य के ज्ञाता हैं। आपके श्री चरणों में विनती है कि जैसी चलावे कार तैसी मैं करूं कार, अर्थात हम सदैव आपके भाणे में राजी रहें। आप हमसे जैसा कर्म कराएं, जिस हाल में रखें, हम सत्य सत्य कर उसे निभाएं। वाणी में भी आया है, जैसी दे तू मत वैसी पाऊं मैं गत, जैसी दे तू मत वैसी पाऊं मैं गत, अर्थात आपके द्वारा बख्शी मति के आधार पर चलने से ही हमारा उद्धार होगा। सात संगत जी, सतगुरु के प्यारे शिष्य भगत प्रेमी अपने अपने अनुभव, अपने प्यारल के कुर्ब करुणा के जिक्र, अपने हुजूर बाबल की दया रहमत के वृतांत बतलाते रहते हैं। अनगिनत वृतांतों का जिक्र साथ संगत बयां करती है। प्रगट या अप्रगट रूप से आप दयालु हरे माधव बाबा जी विरहद करुणा उन पर करते हैं। गुरु गरीबन वाज हैं, अपने शिष्यों की लाज रखना उनका बिरद है। वह अपने शिष्यों की लाज इस संसार में तो रखता ही है, पर सतगुरु शिष्य की मौत के समय जो सबसे अधिक कष्ट का समय होता है, उस समय भी वह स्वयं हमारी अंग संग होता है। वह रूह को स्वयं आकर ले जाता है, शिष्य की सुरति को साथ ले जाता है। इस दुनी जहां के लोगों, मित्रों, रिश्ते नातों, वस्तुओं का साथ कच्चा अस्थिर है। ये सभी कठिनाई कष्टों के समय
हमें छोड़ देते हैं, पर पूरा सतगुरु शिष्य का सच्चा हितैषी होता है, सदा अंग संग होता है, जीने के वक्त भी, मृत्यु के वक्त भी और मृत्यु के बाद भी। सतगुरु बाबा जी हमें चिताते हुए होशियार कर रहे हैं कि उस मालिक ने हमें इंसानी जामा दिया, अनमोल सांसें बख्शी जिसके लिए देवी देवता भी तरसते हैं। वह परम पिता परमात्मा हमें मिला कामिल मुर्शिद की दया मेहर से, पूर्ण संत सदगुरु की शरण सोहबत मिली जिससे हमें सेवा सिमरन भक्ति ध्यान की इस ऊंचाई तक पहुंचने का रूहानी इल्म भी मिला। बड़े बड़े ऋषि महर्षि भी उस साहेब दीद न्यारे माधव पुरख में नहीं मिल पाते। ए प्यारो, हम जरा गौर करें, यह सारी रहमत तो रहमान के नूर सतगुरु साहेबान जी की चरण शरण से प्राप्त होती है। यह रजा बड़ी निराली अति उत्तम चैतन्य भक्ति है। जिस दिन हमारे अंदर सदा शुक्र के भाव होते हैं, उस दिन मन इंद्रियां भी अमृत नाम सिमरन में मस्त हो जाती हैं। फिर रूप उस माधव यानी प्रभु करतार की अभेदता परम निज कैफियत में मस्त हो हकीकत से रूबरू हो जाती है। यह सारी परम कृपा की बारिश वक्त के आला पूरन सतगुरु ही कर सकते हैं, कर रहे हैं और करते रहेंगे। ए रब के अंश, जब रूह इस लोक से उस लोक में गमन करती है तब वह अकेले रहती है, लेकिन जो सतगुरु नाम के बौरे हैं अभ्यासी हैं उनके साथ तो सतगुरु नाम रूप में अंग संग है और उनकी राह बड़ी सुहेली हो जाती है। प्यारे पूर्ण सतगुरु अपनी विरद करुणा दरगाही कलाओं से रूहों का कर्म बल ढीला कर उस रूह को मुक्त कर देते हैं। यह सतपुरखों की अलस्ती दुनिया है, शिष्यों भक्तों को तेरा भाणा मीठा लागे के भाव दिल में पिरोना चाहिए। तभी हाजरा हुजूर सतगुरु साहिबान जी ने पावन शब्द वाणी में फरमाया, केते तरह उबरे एह नाम सिमर सिमर, दीन दयाले शरण नाम देवो, मन की तपत सब छूटे, सत पद में आत्म रमे, रमैया सतगुरु मोहे अमृत नाम बख्शो, रमैया सतगुरु मोहे अमृत नाम बख्शो, कहे दास ईश्वर सुनो भक्तो, नाम भगत सार है, हरे माधव रब्बल यह भेद प्रगटाया, हरे माधव रब्बल यह भेद प्रगटाया। सत्संगियों, भजन सिमरन के भंडारी हरि राया रूप सतगुरु के बख्शे नाम से कितने तरे गणना नहीं, कितने उबरे गणना नहीं और कितने जप तप कर उबरेंगे पता नहीं, अगणित अतुल्य है, गणना नहीं अतुल्य है। यानी केते तरह उबरे एह नाम सिमर सिमर, सिमरन ध्यान कर आज नहीं तो कल तुम भी तर जाओगे। जो सतगुरु संगत की नाव में बैठा नाम की वीजा ली वो दुनिया रूपी सागरों को पार करेगा, जो किनारे पर बैठ गए वो मूड़ कैसे उभरेंगे। इसलिए नाम जपो नाम सिमरो प्यारो, इसलिए नाम जपो नाम सिमरो, साटिक ध्यान को गाढ़ा कर भव से पार हो। बात सत्य है बात अकथ है, केते तरह केते उबरे, हाजरा हुजूर साईं जी बड़ी सच्ची बातें कहते हैं।
आशिक अपनी प्यारी महबूब बाबल प्रभु दातार का शुक्र कर, उसी के सार में उसी साहिब करीम महबूब का रूप बन जाता है। सतगुरु बाबा जी सत्संग अमृत वाणी में फरमाते हैं, जिया कहे नारायण शाह, सुनो भाई भगतों, जिन्ना से मंद खुआरी भ्रमे जग में। शहंशाह सतगुरु बाबा नारायण शाह साहेब जी समझाते हैं, इस संसार में वही जीव पुण्यात्मा है जो सदैव सतगुरु जी के भाणे में राजी रहे, उन्हें ही सच्ची ज्ञान की प्राप्ति हुई है। साथ संगत जियो, जीवन की क्षण भंगुर उपमा का सदुपयोग कर लें, ऐसी राह पर चलें ऐसा सत्य घट में प्रकट हो जो मिटे नहीं, यानी हरे माधव अजान सतपुरुष पूर्ण संतों के पास ये सारे भेद हैं, लेकिन जब हम ऐसी चाह शौक रखें वे खोलकर सत्य कहते हैं कि रेत के महल मत बनाओ और इसका गुमान क्या करना, कागज की नाव बनाकर मत चलाओ ये डूबनी है, ऐसी जिंदगी का क्या गुमान करना, क्योंकि जीवन तो क्षण भंगुर है। पूर्ण संत पुरुष कहते हैं एक नाव ऐसी भी है जो हमें भवसागर से पार ले जाती है, और वह नाव है सिमरन ध्यान, जो कि भजन सिमरन के भंडारी सतगुरु जागृत तवज्जो दीक्षा के समय हमें देते हैं, फिर हमारी चेतना ऐसी जागृत तवज्जो के ध्यान में जुटकर अपनी निज घर में पहुंच जाती है। ऐसे सिमरन ध्यान की नाव अगर हम बना लें तो सहज ही हम भव से पार हो जाते हैं। साथ संगत जियो, आज का भावपूर्ण दिवस हरि माधव परमार्थ पंथ के महान उन्नायक हाजरा हुजूर सतगुरु बाबा ईश्वर शाह साहेब जी एवं आप हम सभी की परम पूज्य गुरु माता हेमा देवी जी की स्मृति में समर्पित है। हमारी पूज्य गुरु माता जी ने 26 जून 2014 को निर्वाण पुरुष में विलीन हो हरे माधव धाम में गमन किया। आपकी भोली सी सूरत समत्व भाव को बिखेरती है, आपका निज स्वभाव सादगी माधुर्य संतोष एवं अपनी निजता में सदा मगन रहना था। आपकी रहनी करनी हम सभी के लिए सदा आदर्श प्रेरणा स्रोत है। ममतामयी माता कोमल हृदय का प्रतीक है, श्रद्धा प्यार विश्वास सहनशीलता कर्तव्य निष्ठा का सागर है, वह करुणा प्यार का भंडार ऊंचा संस्कार है। जीवन पर्यंत माँ का कर्ज चुकाना संभव नहीं, परम श्रद्धेय गुरु माता श्रीमती हेमा देवी पेशवानी जी का संपूर्ण जीवन प्रेम प्यार सदाचार का पर्याय रहा। जीवन के प्रत्येक क्षणों में आप माताजी धैर्य का परिचय देते हुए सदा शांत हंसमुख एवं प्रभावशाली व्यक्तित्व की धनी बनी रहीं। हम सब खुशकिस्मत हैं कि हमारे सिर पर सदैव माताजी का ममतामयी हाथ रहा। मानवीय गुणों एवं संवेदनाओं की महामहिषी गुरु माता श्रीमती हेमा देवी पेशवानी के देह विलय के दिन
विश्वास ही नहीं हो रहा था कि हम ममतामयी करुणामयी गुरु माता के साए से महरूम हो गए, जो अपने प्रेम करुणा से सदा हमारी सार संभाल करती रही। धन्य है ऐसी पाक पावन आत्म, उसका जीवन जिसके वियोग में प्रकृति को भी बिलखना पड़ा। हजारों लोगों ने देखा सुना जब करुणामयी पूज्य गुरु माता श्रीमती हेमा देवी पेशवानी हरे माधव परम लोक में गति कर गई। यह हृदय विदारक समाचार सुन सभी स्तब्ध रह गए। माही मंदिर माही पूजा, माँ पूजा की थाली, बिन माँ के जीवन ऐसा ज्यो बगिया बिन माली, बिन माँ के जीवन ऐसा ज्यो बगिया बिन माली। परम श्रद्धेय गुरु माता श्रीमती हेमा देवी पेशवानी जी का संपूर्ण जीवन महानता का परिचायक है। आपकी जीवन यात्रा संयम के दिव्य मार्ग पर समर्पित व अनुशासित रही। यह ईश्वर की असीम कृपा व हमारा सौभाग्य रहा कि उस परम स्नेही गुरु माता का हमें सानिध्य मिला। वह स्नेह भरा हाथ सदा हमारे सिर पर रहा। आपकी सादगी पूर्ण साधारण बातें भी प्रेरणा से परिपूर्ण होती। आप सतत कर्म परायण कल्याण भाव सहज ज्ञान व भक्ति की प्रदीप्त ज्योत स्वरूप थी। पूज्य गुरु माता जी स्नेह व त्याग की प्रतिमूर्ति थी। उनका जीवन हम सबके लिए आदर्श है। हमारी पूज्य गुरु माता हेमा देवी जी अपने नूरे चश्म दिल के कलेजे से बेहद प्यार इतना गहरा लगाव कि दिन रात मन में केवल सुध बुध अपने प्यारे लाडले पुत्र की, जो हम सारी संगतों के दुलारे हमारे सच्चे पातशाह जी हैं। अजन्मों की शहनशाही अजन्मी होती है। आज भी जब अजन्मा सतगुरु अपनी ज्योतियों के रूहानी प्रकाश का भंडार खोलते हैं, उनकी अजन्मी रूहानी शक्तियां उनके रूहानी भेद समझाते हैं। यही खेल उस वक्त नहीं समझ पाए थे, क्योंकि हम सबके ऊपर मायावी रंग चढ़ा था जिससे उस वक्त हम नहीं समझ पाते थे। लेकिन आज जब हुजूर बाबा जी बारीक से बारीक सारे परम वचनों के रहस्य खोलते हैं, तो वे सारे खेल आंखों के आगे उभर आते हैं। प्यारे सत्संग प्रेमियों, जब आप हम सबकी परम पूज्य गुरु माता का देह विलय हुआ, उसी दिन देह विलय से पूर्व आंखों देखा यह वृतांत नैनपुरवासी माता ने अपनी जुबानी बताया। नैनपुर शहर में जब माताओं के हरि माधव सत्संग का समापन हुआ, तब मैं एवं मेरे साथ एक और बहन अपने घर की ओर जा रही थी। तब मैंने आकाश में देखा बहुत ही सुंदर डोली फूलों से सजी हुई आकाश में गति कर रही थी। तब मैंने अपने साथ वाली बहन को कहा, देखो डोली आकाश में चल रही है। हमने शाम को 7:30 बजे आकाश से वह दिव्य डोली जाते हुए देखी। तब उस बहन ने कहा, बड़े भाग्य हैं उसके जिनको यह डोली लेने जा रही है। बड़ी ही नेक कमाई वाली पवित्र आत्मा होगी जिनको लिवाने के लिए प्रभु सजी संवरी डोली भेज रहे हैं और फिर उसमें बिठा हरे माधव लोक ले जाएंगे। हम दोनों ने डोली को नमन किया और यही विनती की कि हे सतगुरु जी, हमें भी ऐसी नेक पवित्र रूह बनाना कि हमें काल न लेने आए। आप सतगुरु बाबल आए, आपका सेवक काल आप जी के हुक्म से
हमारे लिए भी ऐसी सुंदर डोली लेकर आए जिससे हमारी रूह भी हरे माधव अगम लोक में गति करे। ऐसा दिव्य नजारा देख हम दोनों अपने अपने घर पहुंच गए और अचानक रात्रि 9 बजे कटनी से यह शोक सूचना मिली कि पूज्य गुरु माता हेमा देवी 8:30 बजे हरे माधव परम धाम में गति कर गई हैं। यह हृदय विदारक खबर सुन मैं अवाक रह गई और उसी समय मेरे संग जो माता थी उसके पास गई और बताया कि देखो आकाश से वह दिव्य डोली हमारी प्रेमामयी ममतामयी गुरु माता जी को लेने जा रही थी। सो प्यारे सत्संगियों, दिव्य पुरुष कमाई वाली प्रेमी रूहों के अंतकाल के समय पार ब्रह्म अकह कर तारा सतगुरु स्वयं आकर उन्हें अपने पास बुलाते हैं, अपने साथ ले जाते हैं। उन प्रेमी रूहों के अंत समय में काल पूरन सतगुरु के हुकुम आदेश से ही वर्तन करता है कि आएगा जब रे बुलावा हरी का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा, साथ चलेगा नाम गुरु का, और तो कुछ ना जाएगा। आएगा जब रे बुलावा हरी का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। आप गुरु माता जी के जीवन में हम निहार के देखें, आप जी ने हरेक रिश्ते को कितनी सहजता सहन शक्ति महान धीरज से हरेक खटास को अमृत का प्याला मानकर तेरा भाणा मान निभाया। आप जी का पूरा जीवन तपोमय ही था, जो संत कबीर जी ने भी कहा है, ग्रस्थ में जो रहे उदास कहे कबीर ताको मैं दास। देह छोड़ने से पूर्व एक बार गुरु माता जी अपने प्यारे नूरे चश्म सच्चे पातशाह जी के साथ भोजन कर रही थी। उस समय वचन मिलास की चर्चा हो रही थी। आप गुरु माता जी के वचन बेहद अगाध ममतायुक्त मर्मयुक्त आध्यात्मिक गुणों से परिपूर्ण रहते। बाबा जी ने उस दिन आप गुरु माता जी से, जिन्हें आप मम्मी कहते, आप जी ने फरमाया, मम्मी नीम मीठी हो या कड़वी हमें क्या करना चाहिए? तब आप गुरु माता जी ने कहा, सबका भला हो, चाहे वह मीठे स्वभाव का हो या कड़वे स्वभाव का हो, सभी खुश रहें, सभी मालिक प्रभु के बने हैं। बेटा आपको केवल सूर्य के समान सबको प्रकाश देना है, सभी का भला करना है। कर्मगत के अधीन सबका अपना अपना स्वभाव है। बेटा आपको मेरी तरफ से यही आशीष है, आप सदैव जीवों का भला करते रहें। इस संसार में कमाई वाली आत्मा की यह पहचान है कि उन्हें सचखंड जाने के पूर्व अंतर में यह आभास हो जाता है कि कभी यह नश्वर देह छोड़कर प्रभु के धाम में जाना है। उस वक्त भले ही हम उन इशारों को ना समझें, लेकिन बाद में याद कर हृदय भर आता है। ऐसे ही गुरुवार के दिन जब गुरु माता जी प्रातः उठी तो देखा कि पापा ताराचंद जी तैयार होकर कहीं जा रहे थे, तो माता जी ने कहा, हमें अब जाना है, हमें अब जाना है। यह सुन पापा जी स्तब्ध रह गए और पूछा, कहाँ जाना है? तब माता जी कुछ क्षणों के लिए मौन हो गई, फिर अनायास ही कहा, आज मुझे मेरे बब्बू यानी साईं जी मेरे दिल के टुकड़े के पास
हरे माधव वाटिका ले चली। तब पापा जी ने कहा, हाँ ले चलेंगे ले चलेंगे। किसी कारणवश पापा ताराचंद जी घर विलंब से पहुंचे और गुरु माता जी को नहीं ले जा पाए। और आप पापा जी ने गुरु माता हेमा देवी जी से कहा, आज थोड़ी देर हो गई, बाद में चलेंगे। गुरु माता जी का हुजूर बाबा जी से अति स्नेह, दुलार, वात्सल्य, प्रेम रहता। पूरन सतगुरु तो घट घट के जानन हार हैं। गुरु माता जी की कशिश देख बाबा जी ने एक सेवक से कहा, जाओ घर से मम्मी जी को ले आओ। आज्ञा पाकर सेवक जब घर पहुंचा तो उसने देखा गुरु माता जी बाबा जी के स्वरूप को एक टिक निहार रही थी। यह देख सेवक ने कहा, गुरु माता जी, बाबा जी ने आपको याद किया है। यह सुन माता जी के आंखों से आंसू छलक आए और आप जी ने दादी अम्मा से कहा, अम्मा जी मैं दरबार साहब जाऊं। तब अम्मा ने कहा, ठीक है, तारी सा गडवन यानी पापा ताराचंद जी के साथ जाओ। आप गुरु माता जी को पापा ताराचंद जी गुरु दरबार साहब लेके गए। गुरु माता जी जैसे ही दरबार साहब पहुंची, आप बाबा जी ने मम्मी जी को गले लगाया और फरमाए, इतना वात्सल्य इतना प्रेम, हम भी आपको आज सुबह से बहुत याद कर रहे थे। मम्मी ने प्रेम करुणा दुलार भाव से कहा, बब्बू आज मैं अपने हाथों से आपको भोजन खिलाना चाहती हूँ। तब बाबा जी ने मुस्कुराकर कहा, जी जी। गुरु माता जी ने आप जी को प्रेम पूर्वक अपने हाथों से भोजन कराया। माँ जब हमारे पास रहती है तो प्रेम का खजाना हम पर लुटाती है, और आज गुरु माता जी अपना संपूर्ण प्रेम अपने बब्बू यानी साईं जी पर लुटा रही थी। यह देख ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मैया यशोदा कन्हैया को अपने हाथों से माखन खिला प्रेम लुटा रही है। ममता का वह मंगल कलश है जिससे बहने वाला प्रेम और संस्कारों की रसधार ने हमारा भरपूर पोषण और पलवन किया है। भोजन के पश्चात भी माता जी देर तक आपको निहारती दुलार करती रही। आपकी दोनों बेटियां, छोटी बेटी आशु बहन, बड़ी बेटी पिंकी बहन, छोटा बबलू सोम और निहाल लगभग 4:15 बजे तक आप वहीं बाबा जी के संग साथ थे। तब बाबा जी फरमाए, आज घर नहीं जाना है। तब गुरु माता जी ने कहा, पता नहीं आज क्यों आपको छोड़कर जाने की इच्छा नहीं हो रही। जी करता है बस यहीं बैठी आपको निहारती रहूं। तब बाबा जी फरमाए, मैं तो सदा आपके साथ हूं, मैं तो सदा आपके साथ हूं। कुछ समय के पश्चात बाबा जी ने सेवक कैलाश को आज्ञा दी कि मम्मी जी को घर छोड़ाओ। गुरु माता जी ने साईं जी से कहा, अब मुझे आज्ञा दें तो मैं जाऊं, अब मुझे आज्ञा दें तो मैं जाऊं। बाबा जी ने वचन फरमाए, जी जी। गुरुवार शाम को जब आप गुरु माता जी को देह छोड़ने की इच्छा हुई, देह छोड़ने के पूर्व आप परिवार के साथ हंस बोल रही थी। आप जी ने बहू को अपने गले लगाया एवं अम्मा जी का हाथ पकड़कर इच्छा मौज से सोफे में लेट इस नश्वर देह का त्याग बड़ी सहजता सरलता से हरे माधव कह हरे माधव लोक में गति की। कमाई वाली आत्मा सदैव खुद को छिपाए रहती है, जो कि आपके संपूर्ण जीवन में हम सभी ने देखा। कुछ समय के बाद दादा आत्माराम खानमानी जी, दादा रामचंद्र रिझवानी जी एवं कुछ अन्य सेवादार
बाबा जी की चरण हुजूरी में गए। तब हुजूर सच्चे पातशाह जी ने फरमाया, बड़ा मीठा भाणा, आप गुरु माता जी को सदैव ममतामयी करुणामयी गुरु माँ के रूप में स्मरण किया जाएगा। आपने जीव जगत को पूर्ण सदगुरु की अनमोल सौगात बख्शी, जिससे यह सारा संसार धन्य हो गया। हम सब आपके सदैव ऋणी रहेंगे। जिस तरह सूर्य से अमर प्रकाश की किरणें निकलती हैं, वे अमर हैं, उसी प्रकार आपका यह परम उपकार सदियों तक कायम रहेगा। हरि माधव प्रभु दाते का बनाया यह खेल एवं भाणा सत्य सत्य करना बंदे जीव का धर्म है। ऐसी ऊंची पवित्र आत्मा के उद्देश्यों का पालन करना ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। पूज्य गुरु माता जी के व्यक्तित्व एवं गुणों की सुरभि से समाज व हरि माधव परिवार का पुष्प उद्यान सदैव सुरभित रहेगा। आपके हरि माधव लोक गमन पर सभी समाज के वर्गों में शोक दुख की लहर दौड़ गई। प्रकृति ने भी शोक रूपी आंसू बारिश के रूप में बरसाए। शुक्रवार को जब आप गुरु माता जी का पार्थिव शरीर तैयार किया जा रहा था, तभी एक पुण्य अम्मा आई और रोकर कहने लगी कि कुछ समय पूर्व मेरा स्वास्थ्य इतना ज्यादा खराब था कि मुझे 3 बार डॉक्टर ने जवाब दिया और 3 बार मुझे गुरु माता, जिन्हें मैं प्यार से बेबी कहकर बुलाती, मुझे 3 बार आकर बेबी ने कहा कि उठी उठी मासी शाहे कुछ काने ठीक आयो, और 3 बार मैं उठ खड़ी हुई और मुझे नया जीवन प्राप्त हुआ और आज मुझे वही छोड़कर चली गई। यह व्यथा सुनाते सुनाते अम्मा जी की आंखों से झरझर नीर बरसने लगे। प्रभु मालिक की असीम कृपा से मानुष जन्म मिलता है, कुछ विरले ही इसे सफल कर पाते हैं। पूज्य गुरु माता जी ने एक चित्त हो गुरु भक्ति नाम सेवा कर मानव जीवन को सफल बनाया, जो कि पूज्य गुरु माता जी के मुखमंडल पर स्पष्ट नजर आता। तेजस्वी मोहिनी मूरत आज भी आंखों में शाई रहती है, जो हमें गुरु माता जी की उपस्थिति की अनुभूति कराती है। पूज्य गुरु माता जी सभी सेवकों बाल गोपालों सेवादारी माताओं बहनों को सदा समझाती, समर्पण निष्ठा त्याग बलिदान निष्काम भावना निर्मलता के बिना कुछ भी प्राप्त नहीं होता। सुख पाने की इच्छा है तो सुख को बांटना व त्यागना सीखो। आप जी को सदैव साथ संगत का पूरा पूरा ख्याल रहता। आप जी नित नियम से अपने हाथों से भोजन बनाकर गुरु दरबार साहेब भेजा करते और गुरु साहेबानों द्वारा बख्शी हुई सेवा को निष्ठा से पूर्ण करते। पूज्य गुरु माता जी की कथनी करनी में समानता को सभी ने अनुभव किया, जो अविस्मरणीय है। पूज्य गुरु माता अपने ग्रस्त जीवन के कर्तव्यों दायित्वों को निभाते हुए प्रभु मालिक की भक्ति एवं निष्काम सेवा कर संगत को ऐसा सुहना लाल दिया, जो आज हम सभी को आत्मीय उद्धार का मार्ग प्रदान कर रहे हैं, जिससे पूरा मानव समाज धन्य हो रहा है। ममतामयी पूज्य गुरु माता श्रीमती हेमा देवी पेशवानी जी के लाडले पुत्र हमारे प्यारे सतगुरु बाबा ईश्वर शाह साहेब जी हरे माधव नाम का अलख जगा हम गफलत की नींद में सोए जीवों को जगा रहे हैं। चहु वर्णों को सांझा मार्ग दे सेवा सत्संग सिमरन ध्यान का रूहानी मार्ग समता भाव से प्रदान कर रहे हैं। हे सतगुरु साहेबान जी,
हम अज्ञानी जीवों की आपके श्री चरणों में बारंबार यही विनती है, हमें ऐसी सुमति ऐसा बल बख्शें जिससे हम सदैव आपके भाणे में राजी रहकर जीवन यापन करें, शुक्र शुक्र कर प्रत्येक सुख दुख में भाणा स्वीकार करें, अडिग हो आपकी राह पर बढ़े, ऐसी दया करें कि हम सभी पूज्य गुरु माता जी के प्रेरणादायी जीवन से अनमोल नसीहतों के मोती चुनकर अपनी रूह और जीवन को संवार सके। यह समस्त भूमंडल युगों युगांतरों तक पूज्य गुरु माता जी का ऋणी रहेगा। आप गुरु माता जी के श्री चरणों में हमारा सारी संगत का दंडवत नमन, शत शत वंदन, शत शत वंदन। कहे नारायण शाह, सुनो भाई भगतों, जिना से मंद खुआरी भ्रमे जग में। शत शत नमन, शत शत नमन गुरु माँ आपको, शत शत नमन, शत शत नमन, शत शत नमन गुरु माँ आपको, शत शत नमन। तेरा करते हैं वंदन, हाथ जोड़ करते नमन, तेरा करते हैं वंदन, हाथ हाथ जोड़ करते नमन, तेरा करते हैं वंदन, हाथ जोड़ करते नमन। शत शत नमन, शत शत नमन गुरु माँ आपको, शत शत नमन, जन्म देती है, यूं तो जननी जन्म देती है इंसान को, पर एक माँ हेमा हुई, एक माँ हेमा हुई जिसने जन्मा सतगुरु साईं ईश्वर।
ईश्वर शाह भगवान को जिसने जन्मा, सतगुरु साईं ईश्वर शाह भगवान को। साईं नारायण शाह जी के वचन सत सत सिद्ध हुए।
हरे माधव हरे माधव हरे माधव हो हरे माधव हरे माधव हरे माधव हो हरे माधव हरे माधव हरे माधव हो हरे माधव हरे माधव हरे माधव बोल हरे माधव हरे माधव हरे माधव बोल हरे माधव हरे माधव हरे माधव बोल हरे माधव हरे माधव हरे माधव बो 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 हरे हरे माधव हरे माधव